हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं डेली हितेशी। दोस्तों, जैसे कि रमजान का आगाज 25 अप्रैल से हो गया था, लेकिन कर्फ्यू लगे होने के कारण जो लोग हैं उन्हें इतनी ज़्यादा रियायत नहीं मिल पाई थी। और आज आप देख सकते हैं ईद उल फितर है, तो इस पर जो कर्फ्यू है वो ख़त्म हो चुका है और लॉकडाउन है, तो फाइनली उन्हें कुछ रियायत मिली है और वो जाकर मस्जिद में अपनी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कोरोना वायरस है वो पूरे संसार में फैला हुआ है इस टाइम, तो इस समय हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव भुलाकर हर एक को, सारे जो त्यौहार हैं हमारे आपसी भाईचारे के प्रतीक हैं, उन्हें मनाना चाहिए। तो आपको मैं इस ईद पर ईद मुबारक कहती हूँ और आप इन भाईचारों ने पूरा सपोर्ट करें और जो आज का पवित्र दिन है उनके साथ मनाएं। दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नायब शाही इमाम मोहम्मद उस्मान। सबसे पहले तो सर, ईद मुबारक। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो है कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मतलब मेंटेन करके यहाँ पे ईद जो है नमाज अदा करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ऐलान किया गया कि सब लोग घरों पर नमाज़ पढ़ें, इसलिए लाखों लोगों ने घरों पर नमाज़ पढ़ी। 21 लोगों ने, जिनको सैनिटाइज करने के बाद, मास्क पहनाने के बाद, सोशल डिस्टेंस के साथ जामा मस्जिद में कारपेट बिछा के बिठाया गया एक दूसरे से दूर दूर, और उनको बड़े शाही इमाम साहब ने नमाज़ अदा करवाई, ताकि नमाज जो है वो संकेतित तौर पर अदा भी हो जाए और लोग जो हैं COVID-19 से बचे भी रहें। तो सर, जैसे कि आज ईद उल फितर है, सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसकी क्या मान्यता है? 30 रोज़े रखने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। ये त्यौहार रोज़ेदारों के लिए खुदा की तरफ से इनाम है। 30 रोज़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपको नेकी करने की आदत पड़ जाए। रोज़ा का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, भूखे आपको इसलिए रखा जाता है ताकि आप ऐसा महसूस करें कि आज दुनिया से कुछ अलग हैं आप। और रोज़ा उसको कहते हैं कि आप किसी की तरफ गंदी निगाह से ना देखें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपनी ज़ुबान से बुरी बात ना कहें, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, झूठ ना बोलें, मकारी ना करें, गलत ना कारोबार करें। अब ये लगातार 30 दिन इसलिए करते हैं ताकि आपको आदत पड़ जाए नेकी करने की, ताकि पूरा साल आप नेकी करते रहें। और ईद का दिन इसलिए रखा है कि जिस दिन ईद आए और जिन रिश्तेदारों से, यारों दोस्तों से, पड़ोसियों से आपकी रंजिश हो, तो ईद के दिन तमाम गले शिकवे मिटा के आप उनके साथ हाथ मिला सकें। तो सर, इस ईद पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इस ईद पर लोगों को, पहले तो खुशी की बात है कि हम लोगों ने लोगों को प्रेरित किया था। लुधियाना जामा मस्जिद लगातार 65 दिन से राशन वितरण कर रही है, और वो ऐसा राशन वितरण है जिसमें तस्वीर नहीं खींची जाती और रात को खामोशी से लोगों के घर दिया जाता है, ताकि जिसको दे रहे हैं उसका आत्मसम्मान बरकरार रहे। तो हमने मुसलमानों को कहा था कि नए कपड़े ना सिलवाएं, वो पैसे उन गरीबों को दें जो खाने पीने को मोहताज हो गए। तो लोगों ने अच्छा किया, इस बार नए कपड़े नहीं सिलवाए, वो पैसे गरीबों को दिए। और इस ईद को हमने ये संदेश दिया है कि तीन चीज़ें जिनको हमने ख़राब किया है पूरे इंसानों ने मिलके, सबसे पहले वायु जिसके साथ खिलवाड़ किया, दूसरा हमारे पानी दरिया जिनके साथ हम लोगों ने खिलवाड़ किया, तीसरा हमारे जंगल, यानी प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया और फिर बहुत सारे गुनाह किए, अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल किया लोगों ने, तो उसकी वजह से ये महामारी आई है। तो पूरे विश्व के लोगों के लिए जहाँ पूरी दुआ की गई कि वो इस महामारी से निकले, वहाँ लोगों को कहा गया कि प्रकृति की तरफ लौटें, प्रकृति की तरफ वापस आएं, ताकि ऐसी महामारी से छुटकारा हो जाए। धन्यवाद सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ताला दे ना तो जो बड़ा मेहरबान ते नहायत रहम करने वाला है। मैं लुधियाना की इतिहासिक जामा मस्जिद वालों अते शाही इमाम साहब वालों समूह लुधियाना वासियां नू, पंजाब वासियां नू ते सारे भारत वासियां नू अज ईद उल फितर की वधाई दिंदा हाँ अते आस करदा हाँ कि असी सारे मिलकर दुआ करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि करोना वायरस तो भारत का जिहड़ा देश है वह सब तो पहला छुटकारा हासिल करे और दुनिया पहला की तरह हसदी खेडती नज़र आए।